गुड मॉर्निंग, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल शाम को 7 बजे हम आ गए थे रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग नहीं रुके और आगे बढ़े आए, क्यों टाइम था हमारे पास में, तो रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में आज हम जो एक्सप्लोर करेंगे या देखेंगे रुद्रप्रयाग को, यहाँ के रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है शिव जी का, वो भी देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, आपको भी बताएंगे, और संगम के भी दर्शन कराएंगे जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी जो केदारनाथ जी की तरफ से आ रही हैं, उन दोनों के बारे में भी बताएंगे, दर्शन कराएंगे संगम के। और फिलहाल हम मैं एक टूर करा देता हूँ एक धर्मशाला का, जहाँ नाइट स्टे कराए। आप भी आएँ तो आप भी रुक सकते हैं। काली कमली धर्मशाला है, संगम के नज़दीक है, और बहुत ही साफ़ सुथरे कमरे हैं, जो इनका बेसिक सर्विस है जो भी होती होनी चाहिए वो सब मिल रही है, आपको मिलेगी इसके अंदर। तो जैसे ही रूम में एंटर होंगे तो एक ये रूम है जिसमें ये आपको 2 बेड मिल रहे हैं, और सिटिंग के लिए सोफ़ा भी है, टेबल के साथ में 2-3 चेयर पड़ी हुई हैं, साथ में ही लगा हुआ एक एक ये रूम है जिसके अंदर 2 बेड आपको मिलेंगे, चेयर स्टूल टेबल सब मिलेगी। और इधर साफ सुथरा सा इधर लैटरिन है, और इधर ये बाथरूम मिलेगा, सेपरेट है। और अगर हम दूसरे दो रूम मैंने आपको दिखाया, अगर तीसरे रूम में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो तीसरा रूम भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ भी 2 बेड आपको मिल रहे हैं, और वार्डरोब कबर्ड भी आपको मिलेगी सामान रखने के लिए। धर्मशाला पुरानी है बट साफ़ सुथरी है, अटैच लेट बाथ है जो कि बहुत साफ़ सुथरा है। तो ये 3 रूम है आपको जो मैंने दिखाए, बहुत ही साफ़ सुथरा, और साथ ही इसका जो सबसे मेजर प्लस पॉइंट बोलेंगे तो वो ये है कि इसकी जो बालकनी है वो इतनी खूबसूरत है, यहाँ से जो नज़ारे देखते हैं वाकई अलकनंदा का पूरा पूरा नज़ारा दे देखिए। ये अलकनंदा जा रही है, ग्रिल लगी हुई है, जाल लगा, वो बंदा रहे इधर, तो ये इसको कवर करा हुआ है इन्होंने। चलो सुनाइन सुनो अनु, चलो फिर, चलने लेट हो रहा है बेटा। नहीं क्या, चलो 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 जल्दी चलो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मम्मी पकड़ो उसे। चलिए बाहर से मैं धर्मशाला दिखा देता हूँ, कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको लोकेशन आइडिया रहेगा। तो ये धर्मशाला है, बाबा काली कमली वाला धर्मशाला यात्री अतिथि गृह, पुरानी धर्मशाला है, और धर्मशाला से लगा हुआ ये रास्ता जा रहा है संगम के लिए, और रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर भी इसी रास्ते पड़ेगा, और ये सीधे केदारनाथ के लिए निकल जाते हैं रास्ता जो जा रहा है, गुफा टनल पार करते हुए राइट में केदारनाथ, लेफ्ट में आप जाएंगे तो संगम के लिए उतर जाएंगे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं संगम और दर्शन कराते हैं। धर्मशाला के बगल में कई आपको छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे खाने के लिए, जो कि बजट फ्रेंडली हैं और ज़्यादा महंगा नहीं है। और धर्मशाला के बारे में भी मैं आपको बता दूं जो नहीं बता पाया, 1200 रुपये में आपको ये 3 रूम एक दिन के लिए मिलते हैं। बाबा देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, हाँ हाँ ककड़ी ईंट की बनी है, रह रहे हैं अभी भी लोग, वाह रह रहे हैं इसमें। श्री रुद्रनाथ जी का मंदिर है, देवर्षि नारद जी का तपोभूमि ऊपर है, तो यही ऊपर मंदिर है रुद्रनाथ जी का, और तपोभूमि है नारद जी की। पापा ऊपर पहुंच गए, मम्मी चलो मंदाकिनी, तो हम दर्शन कराते हैं पहले रुद्रनाथ जी के, फिर संगम के दर्शन करते हैं, महादेव के दर्शन के बाद ही हम संगम चलेंगे। आ जाओ चलो मम्मी, पियू आओ, पियू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पियू 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 पियू, फिंगर पकड़ो, चलो ऊपर। जय बजा 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 बाबा की, अनु अनु हाँ पहले चढ़ गई है। चलिए पहले हम पूजा करें फिर आपको बताते हैं।
दिखाता हूँ नज़दीक से। तो देखिए ये है संगम, ये आ रही है अलकनंदा, ये अलकनंदा आ रही है जो बद्रीनाथ जी की तरफ से और पिंडारी ग्लेशियर पिंडरी नदी दोनों मिलके अलकनंदा अलकनंदा बनी और अलकनंदा यहाँ आई और इधर से ये मंदाकिनी आ रही है, मंदाकिनी केदारनाथ जी की तरफ से और यहाँ ये संगम हो गया। इसके बाद में ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती जा रही है। तो ये आ रही हैं आपकी मंदाकिनी केदारनाथ जी की तरफ से, बहुत शांत बह रही हैं अभी। और जब इन्होंने 2013 आपदा के समय पे अपना रौद्र रूप दिखाया था तो ये इतनी ख़तरनाक थी कि ये सामने बना हुआ ये लोहे का पुल जो कि अभी फ़िलहाल नया बना हुआ है ये भी तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था, देखने वालों की रूह कांप गई थी उस समय। इतना भाव था कि ये जो बाईपास ऊपर आप देख रहे हैं ये रोड जो जा रहा है ये यहाँ यहाँ तक सब तहस नहस कर दिया था, जल यहाँ तक था, ये सब जल यहाँ तक था। और ये ऊपर केदारनाथ जी के लिए बाईपास निकल रहा है, रुद्रप्रयाग का बाईपास है जो आगे केदारनाथ जी के लिए जा रहा है। तो ये सब आप देख रहे हैं और जल जब बढ़ जाता है लेवल तो आप देखिए ये टीन शेड वगैरह सब टूट गया है, पानी ऊपर बालू भी है टीन शेड के ऊपर आप देख रहे हैं वो जल आने की वजह से। और ये जो छत है इसकी जो बना हुआ है नीचे एक हॉल बना हुआ है उसके ऊपर भी बालू है, ये सब जल में अंदर हो जा जल इनके ऊपर आ जाता है, ऊपर तक सब जल जल हो जाता है। खैर ये तो बरसात में ऐसा रहता है लेकिन उस समय तो ये बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा माहौल था कि देखने वाले की रूह कांप रही थी। अभी लेवल पानी का कम है, ये आप देख रहे हैं सब सूखा हुआ हिस्सा है, जैसे ही बरसात शुरू होती है ऊपर से ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये पानी का लेवल सब बढ़ जाता है और ये सब जलमग्न हो जाता है, चारों तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। लेकिन अभी जल का लेवल कम है, सर्दियाँ गई हैं तो ग्लेशियर अभी मेल्ट होना शुरू नहीं हुए उसकी वजह से पानी का लेवल भी कम है। चलिए नीचे से मैं आपको एक बार और संगम पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ और वो नारद शिला भी दिखाऊंगा जहाँ नारद जी ने तप किया था शिव, और शिव जी ने यहाँ रुद्र रूप के दर्शन दिए थे, रुद्र रूप में अवतार देने की वजह से इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। तो ये वो शिला है मैं नमन करता हूँ उसे। तो ये वो शिला है जी जो बताते हैं आपदा में यहाँ से टूट गई, यही वो शिला है जहाँ नारद जी ने तप किया था। और ये सब देखिए, सोचिए आप कल्पना कीजिए क्या रहा होगा वो समय जब यहाँ ये आपदा आई होगी। मैं बिल्कुल नीचे बेस में हूँ उस समय, आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ जल नहीं है अभी, मंदाकिनी ये आ रही है अलकनंदा। अभी यहाँ के लोगों ने बताया जल दोनों तरफ से आया था लेकिन सबसे ज़्यादा रौद्र रूप मंदाकिनी ने लिया हुआ था। और ये वो पुल मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया जो टूट गया था। तो ये संगम है जी, बहुत ही पवित्र संगम है, दर्शन कर लें आप। आइए एक बार जल ले लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि पवित्र संगम। देखिए मैं संगम पे खड़ा हुआ हूँ, पीछे मेरे संगम है, मेरे राइट में अलकनंदा है और लेफ्ट में मंदाकिनी। तो ये बहुत ही पवित्र संगम है, इसके दर्शन कर लीजिए। ये देखिए और ये घाटी है पूरी, ये सब जलमग्न हो गया था उस समय। चलिए उस समय की बात नहीं करते हैं, भगवान ना करे कभी ऐसा फिर हो, भगवान शिव रुष्ट ना हो, नाराज ना हो, रुद्र रूप ना दिखाएं, सब अच्छा चले, इंसान अपनी मर्यादाओं को ना लांगे, प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे, सब सुरक्षित रहे, दर्शन करने आए लोग गंदगी ना फैलाएं, केवल दर्शन की सोच लेकर यहाँ आए, अन्यथा जो हम सब के ऊपर बैठा है वो पल भर में कुछ भी कर सकता है। तो डरना ज़रूरी है उस शक्ति से। तो आइए थोड़ा जल ले लेते हैं।
काफ़ी पत्थर है, चलने में दिक्कत हो रही है। सनातन धर्म में, हमारे धर्म में इन जगहों का कितना महत्व है ये तो आके ही पता चलता है आजकल। लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से थ्रू यही कहना चाहूँगा, जो मैंने इन जगहों पर घूम कर और यहाँ दर्शन कर कर जो महसूस किया है, समझा है कि हम कमर्शलाइज जगह चले जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे, शिमला, मसूरी, नैनीताल, मनाली, लद्दाख, जहाँ भी जितनी भी हैं वहाँ अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ घूमने चले जाएंगे, एंजॉय करते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर लाइफ में हमें ज़रूर आना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपना जो इतिहास है, जो हमारे धर्म का जो इतिहास है, सनातन धर्म का जो भी इतिहास है, वो अपने बच्चों को एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। और ये देखिए कितना कुछ है हमारे सनातन धर्म में देखने के लिए, प्रकृति की गोद में हमारा सारे सारे जो लीलाएं रची भगवान भगवान ने, हमारे ईश्वर ने, वो सब है यहाँ। आइए दर्शन करिए, देखिए, क्या पता किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। रोग है ना वहाँ। जी, ये रुद्रनाथ जी की मूर्ति है। हाँ,